प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के सफल आयोजन के मद्देनजर सोमवार को फर्टिलाइजर स्थित कार्यक्रम स्थल पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के रैली को सकुशल संपन्न कराने पर चर्चा की गई तथा रैली में आए किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न होने पाए इसके लिए कार्यकर्ताओं को आगाह किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के प्रभारी व राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा, उसमें हमको क्या क्या करना था, क्या क्या कर लिए, जो छूटा है वो आप ही लोग बताना है, जो छूटा है वो भी तैयारी आप कर लें, क्योंकि वो आप ब्रीफिंग आप ही लोग से लेंगे, कहीं गड़बड़ के सामने जब वो पूरी तरह रखें तो व्यवस्थित रहे ताकि उनको लगे कि नहीं सच में हमारे कार्यकर्ता वो सजग हैं। ऐसा ना हो कि जो व्यवस्था आपकी जल वाली, यातायात वाली, पार्किंग वाली, तो मेन होर्डिंग और प्रचार अपने आप हो गया है, उसको करना है। इन चारों व्यवस्थाओं में जो भी कमी रह गई उसको हम सब लोग मिल करके या व्यवस्था में लगे लोग मिल करके पूर्ण कर लें, और ठीक 3:15 बजे कोई ये लेट ना करे, 3:15 बजे के पहले यहाँ उपस्थित रहें ताकि महाराज जी आए तो उनके साथ सबकी पास देवेश जी से हर विभाग के लोग ले लेंगे और लोग जा सकते हैं। देखिए कल जो है एक विश्व जनता में जो विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उसका एक कारण 2014 के पहले एक राजनीति में एक प्रचलन हो गया था कि घोषणा करो शिलान्यास करो लेकिन लोकार्पण का कभी चर्चा नहीं। 2014 के बाद से ये मूलचूक परिवर्तन हुआ कि जिसका शिलान्यास होगा उसका निर्धारित समय पर लोकार्पण होगा। ये उसी का परिचायक कल का एक दिन कि फर्टिलाइजर का भी एम्स का भी जो कहा था वो होने जा रहा है, तो एक ऐतिहासिक रैली होगी और एक विश्वास की रैली होगी। कितने लोग शामिल होने की उम्मीद है? देखिए प्रधानमंत्री मोदी के रैली में संख्या अगर आप बोलिएगा तो ये कठिनतम प्रश्न है, हमको लगता है देश में कम ही आदमी इसका जवाब दे पाएंगे।